अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने तंदूरी रोटी, मटन मसाला और साथ में लगा हुआ है चावल। तो मतलब आज जो चैलेंज होने चल रहा है, तंदूरी रोटी, मटन मसाला और चावल खाने का चैलेंज होने चल रहा है, और यह चैलेंज कैसे लगेगा, आइए पवन जी से मिलकर बात करते हैं। तो देखते हैं मटन करी, राइस और चार रोट तंदूरी रोटी कौन 8 मिनट में फिनिश करके 3000 रुपये की राशि लेकर जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं जो सामने तंदूरी रोटी लगी है, एक लोग के हिस्से में 4 रोटी है और दूसरे लोग के हिस्से में 4 रोटी है, मतलब रोटी के साथ मटन मसाला और चावल भी समाप्त करना है और बोटी भी खाना है, हड्डी नहीं खाना है, हड्डी छोड़ देना है। अगर हड्डी खा लेंगे लोग तो 500 रुपये जुर्माना पड़ जाएगा इन लोगों को। तो चलिए ठीक है, देर न करते हुए टाइमर चालू कर दीजिए, शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर टाइमर चालू होते ही दोनों पहलवान इस समय तंदूरी रोटी को ले लिए है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं चैलेंज में बैठ चुके हैं महानायक शंकर बहुत भयंकर। तो देखिए आज भयंकरता का परिचय देते हैं कि अखिलेश से हार कर जाते हैं और अखिलेश अगर आए हैं, अखिलेश जी भी पूरा 100% अपना लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया। और अखिलेश अगर आए हैं तो वो भी एकदम कमर कस कर आए हैं कि आज शंकर को हराना है तो हराना है, क्योंकि 3000 रुपये लेकर जाना है। बहुत बढ़िया कोशिश है। और यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अभी शंकर एक ही रोटी में है, लेकिन उठा लिए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है, फार्मूला बहुत बढ़िया लगाए हैं। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और शंकर जी पूरा फार्मूला लगाते हैं, अपना 100% लगाते हैं, क्योंकि देसी जुगाड़ लगा लिए हैं शंकर जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और बिना देसी जुगाड़ लगाए चावल तंदूरी रोटी राइस सब एक साथ ही लगा रखे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। देसी जुगाड़ नहीं लगाएंगे तो जीत नहीं पाएंगे। और आज यहाँ पर देखना है अखिलेश जी पूरी तरह से कमर कस कर बैठे हुए हैं चावल रोटी और मटन मसाला के लिए। अगर 8 मिनट के अंदर समाप्त होता है सभी प्रोडक्ट, तब मिलेगा इन्हें 3000 रुपये का नगद पुरस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। दोनों योद्धाओं में देखिए कौन जीत कर जाता है और कौन। 700 ग्राम मटन है और 4 तंदूरी रोटी है और चावल है। तो देखते हैं ये सारा कुछ 8 मिनट में फिनिश कर पाते हैं नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस समय रोटी को टुकड़ों में बांट रहे हैं अखिलेश जी, और पूरी की पूरी रोटी जो है टुकड़ों में विभाजित हो चुकी है। और हमको नहीं लग रहा शंकर जी भयंकर अपना रूप दिखा पाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है, क्योंकि अखिलेश भी अगर आए हैं तो पूरी तरह से कमर कस कर आए हैं। और यहाँ पर ये देखना है कि 3000 रुपये किसके हिस्से में जाता है, और फंसेंगे तो सिर्फ मटन खाने में फंसेंगे ये लोग। बहुत बढ़िया, बहुत 3000 रुपये किसके हिस्से में जाता है, कोई दिक्कत, और कौन ऐसा है जो केवल मटन मसाला रोटी और चावल आनंद लेकर जाता है। और हमको लग रहा है आज दोनों लोग फिनिश करके इनाम की राशि ले जाने वाले हैं। बहुत गजब, और जैसे समय ज्यादा दे दिया है और ये चैलेंजर तगड़े निकल गए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस समय शंकर भयंकर तो हुए हैं, लेकिन उस भयंकरता को नहीं दिखा पा रहे हैं जो भयंकरता है, चाहिए। नीचे है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे जब जरूरत होगी उनको। बहुत गजब, बहुत बढ़िया। और अखिलेश, अखिलेश भी पूरी तरह फुर्ती से रोटी को एकदम मसलन कर रहे हैं। बहुत और इस मसलते हुए अंदाज को देखकर सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा अखिलेश जी के लिए। तो अखिलेश जी फर्स्ट टाइम चैलेंज में आए हैं और बहुत हौसले के साथ आए हैं, देखते हैं आज विनर हो पाते हैं नहीं। अखिलेश जी फर्स्ट नहीं बल्कि दूसरी बार आए हैं, अच्छी कोशिश है। एक बार अंडा वाले में आ चुके हैं अखिलेश जी। अच्छा, एक बार अंडा वाले चैलेंज में आ चुके हैं, तो हमको नहीं याद था। तो देखते हैं आज सेकंड टाइम आए हैं तो अखिलेश जी जीत पाते हैं नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश। जैसे कि अखिलेश जी अंडा वाले में आए थे, एकदम आधी की तरह आए थे, तूफान की तरह अंडा गायब कर दिए थे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। बहुत तो देखते हैं आज, और आज उसी फुर्ती की जरूरत है। और शंकर जी चुस्ते में लग चुके हैं और चुस्ता बहुत खींच के खा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं शंकर अब जो है चैलेंज पता लगेगा कि किस तरह से खाते हैं। शंकर की भयंकरता गायब होती नजर आ रही है, जैसे और जो है पकड़ते ही ठंडे हो गए, सलाद को खा करके मजा ले रहे हैं। अब जो है यहाँ पर देखना है अखिलेश जी शंकर को पछाड़ पाते हैं या शंकर खुद अखिलेश को पछाड़ देंगे। बहुत गजब और चैलेंज यहाँ चल रहा है। अखिलेश जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं और 100% लगा रहे हैं अपना। और सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि अगर जिन दर्शकों के पास रहा है, मशीन ठंडी पड़ गई है, अब जिन दर्शकों के पास हमारा वीडियो पहली बार जा रहा हो तो उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करें।
भाई बहुत तेज लग रहा है। शंकर कह रहे हैं बहुत तेज लग रही है पवन के रसोईया में अगर बना है तो तीखा होगा। तंदूरी रोटी खाए उसके बाद इनको तीखा लगने लग गया है। मतलब चुस्ते के अंदर मिर्ची भरी थी क्या? चुस्ता में जाते ही आपको तीखा लग गया। शंकर भयंकरता को छोड़ते नजर आ रहे हैं पवन जी, क्या बात है। बहुत बढ़िया। और अभी हौसला दिखा रहे हैं, देखते हैं कि कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश। और अखिलेश जी पूरी तरह से सूझबूझ से बैठे हैं, तो सूझबूझ से जो है। और अखिलेश जी आज 100% विनर होने वाले हैं। बहुत बढ़िया, बहुत हौसले से जो है चैलेंज को स्वीकार किया और चैलेंज को पूरी मंजिल तक पहुँचाने के कगार पर है। बहुत बढ़िया। और हमको लग रहा है दोनों लोग विनर हो जाएंगे आज। हमको तो नहीं लगता है। शंकर शंकर जी की मुंडी हिल चुकी है। शंकर मतलब तो बोल चुके हैं मतलब। तो देखते हैं अखिलेश जी पूरा खा पाते हैं नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। चीनी रखे पवन भाई। चीनी मांग रहे हैं, मतलब तीखा बहुत हो चुका है। मटन खा लीजिएगा, मीठा है। मीठ तो मीठा होता है, मीट खट्टा नहीं होता है, तीखा नहीं होता है। बहुत बढ़िया। और अखिलेश जी को यह समय मिला है और साथ में पानी भी दिया गया है, आप पानी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पानी का बहुत पानी मंगा ले। और इनको चाशनी वाला पानी मंगाए क्या? नहीं, तीखा लग रहा है तो इस मतलब जान रहे हैं कि पवन के रसोईया में अगर बना है तो तीखा होगा जरूर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। शंकर जी कह रहे हैं आज तो वो बोल चुके हैं आज हिम्मत नहीं पड़ रही, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। और आज दूसरी बार तो वो बोलते नजर आ रहे हैं और इनके मुंह का अंदाज देखते देखते बहुत मजा आ रहा है। नहीं तो जितने भी चैलेंज आए बहुत भयंकर ढंग से आते हैं, ले रहे बहुत भयंकर ढंग से आते हैं और हमेशा कम्प्लीट करके ही जाते हैं। और देखते हैं अखिलेश जी विनर हो पाते हैं नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और देखते ही देखते और इस लड़ाई में सिर्फ अखिलेश जी अकेले बचे हुए हैं। अगर शंकर जी सपोर्ट करते तो क्या पता अखिलेश जी और स्पीड दिखाते। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। लीजिए गुड़ खा लीजिए। गुड़ दिया गया क्योंकि इन्हें बहुत तीखा लग रहा है। बहुत बढ़िया। और वहीं पर बैठे अखिलेश को कोई असर ही नहीं हो रहा है। हाँ, अखिलेश जी अभी चैलेंज में लगे हुए हैं, चैलेंज कम्प्लीट करने के बाद ही उनको असर पता लगेगा कि तीखा था कि नहीं था, उनसे कम्प्लीट कर पूछेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और अखिलेश जी अपना 100% दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, और फुल हौसले के साथ आए हैं अखिलेश जी। और शंकर जी साथ में बैठ के गुड़ का आनंद ले रहे हैं। हाँ, अखिलेश जी के लिए गुड़ ला दिया जाए क्योंकि इनको भी क्या पता जरूरत हो, जरूरत होगी तो मांग लेंगे। अभी जो है शंकर का जो टक्कर था अखिलेश से उस टक्कर में शंकर और करीब करीब टाइम करीब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। 7 मिनट प्लस हो चुके हैं तो देखते हैं अखिलेश जी 8 मिनट में फिनिश कर लेंगे या नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। अखिलेश जी की भी मुंडी हिल चुकी है। बहुत बढ़िया, लेकिन अपना 100% दे रहे हैं। क्या पता हमको लग रहा है 100% विनर हो जाए अखिलेश जी। अब विनर नहीं हो पाएंगे क्योंकि जो टाइमर है 7 मिनट 30 सेकंड का सफर तय कर चुका है। नहीं नहीं, अगर कोशिश करेंगे तो जीत भी सकते हैं। 30 सेकंड बहुत होता है, 30 सेकंड में 2 प्लेट चैलेंजर खा जाते हैं। बहुत गजब। तो जैसे कि बड़ा खींच खींच तान तान के जो है अखिलेश जी मटन को खा रहे हैं। तो अखिलेश जी कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, क्या दिक्कत हो रही है आपको? तीखा नजर आ रहा है, मतलब तीखा तो लग रहा है। अखिलेश जी को 8 मिनट करीब करीब पहुंचते ही जय, पहले तो फुल 100% कोशिश किए कि जीत जाएंगे, जब जीत नहीं बात कह रहे अब तीखा लग रहा है, अब छोड़ दे रहे हैं। तो अखिलेश जी के लिए भी गुड़ मंगा लिया जा रहा है। अखिलेश जी को भी गुड़ खिला करके इस चैलेंज को समाप्त किया जा रहा है। और अखिलेश जी आए, पूरा 100% दिए, मटन बढ़िया था। हाँ, कोई मटन नंबर 1 के रहा। हाँ, नंबर 1 करा आराम से खा लो। इस चैलेंज के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही चावल भाई खाया, लेकिन चौचक खाया ताकि जवन पैसा मिला रहा है रखा रहा है जीत जाया। हाँ, तो आप लोग जैसे कह रहे हैं शंकर जी खाया चौचक खाया जो उन पैसा रखा है जीत जाए, इसी तरह से आप लोग इस चैनल को चपक करके सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिए अपाची बाइक के लिंक को फॉलो करें और जीते एक TVS अपाची। तो आप लोग इसी तरह से चैनल को हमारे फटाफट 1 मिलियन तक पहुँचाएँ और एक TVS बाइक जीतने का मौका पाए। तो आप लोगों के सामने जो चैलेंज लगा था यहीं से फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।